आपां देश मैं नवां उडारी। किस बात का जवाब लेने आए हो तुम मम्मी जी से? और मम्मी जी, आप इसे कौन सा जवाब देने आई हैं? वो भी इतनी रात को? ये कैसा सवाल? आंटी जी ने वो सरप्राइज डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो रही है ना, तो उसी के बारे में इनको सरप्राइज प्लान करना था इसीलिए। लेकिन तुम्हें क्या लगा हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम क्या कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुनी थी मैंने। कौन सी कॉन्वर्सेशन? क्यों किया आपने ऐसा? आपने मेरी जिंदगी को एक सवाल बना दिया है और उसका जवाब उस घर को बर्बाद कर देगा जिस घर ने मुझे अपनाया, जिस घर ने मुझे प्यार दिया। इसलिए मुझे आपसे आज ही मिलना है, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। यही कहा था ना तुमने मम्मी जी से फोन पे? या फिर अब भी बोलोगे तुम कि तुम समर वेकेशन की प्लानिंग कर रहे थे? बोलिए मम्मी जी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर को बर्बाद कर सकती है? मुझे सच जानना है मम्मी जी। सच जानना तुम्हें? ठीक, उस दिन अनाथ आश्रम में मुझे सच पता चल गया था, लेकिन मैंने तुमसे और अरमान से झूठ कहा। मुझे मेरी मां का नाम पता चल गया। मेरी मां का नाम है हरमनजोत। हरमनजोत? इससे मम्मी जी का? आप तुम कहोगी कि मेरी मम्मी के नाम से और आंटी जी का क्या रिश्ता? करेक्ट। मेरी माँ का नाम ना थोड़ा अलग है, अनकॉमन, लेकिन ये नाम मैंने आंटी जी के मुंह से सुना, इसीलिए मैं इनके पीछे पड़ गया। मुझे लगा कि ये मेरी मॉम को जानते हैं और मैं इनसे बार बार पूछता रहा, इनसे मुझे कुछ पता चले कि मेरी मॉम है कौन। इसीलिए आज भी मैंने इनसे यही सवाल पूछने के लिए इन्हें यहां बुलाया। I'm really sorry आंटी, मैंने आपको बेकार में परेशान करके रख दिया। आप चिंता मत करिए, मैं ढूंढ लूंगा अपनी मां को। दो स्टिचेस आए हैं जी, ज्यादा भी हो सकते थे। आलिया, ये स्टिचेस ठीक हो तुम? रिलैक्स आसमान, मैं ठीक हूँ। इतनी भी चोट नहीं और दर्द पहले से कम है। अंजी, दर्द तो कम हो ही जाएगा, पट्टी जो होगी। लेकिन क्या गारंटी है कि फिर से कोई चोट ना लगे? तो जी मुझसे तो ये कह नहीं रही, तुम तो बहन हो ना इसकी, तुम्हें तो पता करना चाहिए कि राजा ने इसके साथ ये क्यों किया। रणविजय बस बहुत हो गया, राजा ने क्या किया, राजा ने क्यों किया, ये सुन सुन के ना थक चुकी हूँ मैं, और ये बता बता के भी थक चुकी हूँ कि मैं बस अपनी वजह से गिर गई थी। आलिया, राजा के हाथ में बैठ थी, वो खुशी के साथ खेल रहा था ना उस टाइम पे। अब मिल गया जवाब। सुन सुन के थक चुकी, चोटे खा के नहीं थकी।
डॉक्टर ने कहा कि चोट गहरी थी तो लेकिन ठीक हो जाएगी जी। कब वो तो रब ही जान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा घर बिखरने वाला है, मेरा परिवार टूटने वाला है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरा ये डर सच हो जाएगा। क्या समझते हैं? बात बात पे मैनर सिखाते हैं। नहीं अरमान, ऐसे नहीं वैसे नहीं, गुस्सा बहुत करते हो। चलो सॉरी बोलो। आई वड़ी कने डाली। अच्छा मुझे बात बता, अगर हमारे बच्चे को कोई मारे तो क्या हम उसे मार खाने की सीख देंगे? कि नो बेटा, बैड मैनर्स। कोई मारे ना, आगे से मारना मत, अपनी गाल आगे कर देना और खा के घर आ जाना। क्यों भाई? वो ऐसे तो कोई भी आता जाता मार के चला जाएगा। हैं? हमारी बेटियां किसी की मार खाने के लिए थोड़ी है भाई। बाप हूं, अपनी कुड़ियों को ना शेरनी बनाऊंगा, शेरनी, भीगी बिल्ली नहीं। मैं भूख से भूखा मर रहा हूँ, कोई फिक्र नहीं, और बातें करेंगी बड़ी बड़ी। ना मैं जनानियां दे चलित्र समझ ही नहीं आते यार। खाना लेके आई है मनाने के लिए, और तो कुछ करना आता नहीं है। बातें सुनाएगी फिर मुंह में खाना ठूस देगी कि मैं कुछ बोलूँ ना। और जैसे तुम चुप रहोगे खुद तो कुछ बोलोगे ही नहीं। तुम ना एक सेकंड के लिए चुप तो हो सकते हो पर मुंह फुलाना बंद नहीं कर सकते। नहीं खाना। खाना खा लो। नहीं अरमान, चुपचाप ना घर जाओ। कढ़ाई पनीर बनाएंगे, तुम्हारी फेवरेट, खा लो ना। नहीं प्लीज अरमान। नहीं नहीं खाना मुझे, मुझे भूख नहीं है। खुद ही खाओ, खुद ही बनाओ। तुम ना आसमा, तुम ही नहीं खाना मत खाओ, मैं तो खिला के रहूंगी। अरमान रेस में जाने की जिद मत करो, तुम नहीं कर पाओगे अभी। आसमा प्लीज, अगर तो मेरा हौसला बढ़ाना है तो ही इस बारे में बात करना, वरना रहने दो। वैसे आसमा, अगर आरवी नहीं भी आता तो भी तुम अकेली काफी थी बलविंदर और उसके गुंडों के लिए। यार क्या धोया तुमने, तो मजा ही आ गया। अगर किसी ने वीडियो बनाई होती ना तो अब तक वीडियो वायरल हो जाती हसीना हॉकी वाली के नाम से। अरमान क्या कर रहे हो, हिलो मत ना। ऊपर बैठो। मुझे तुम्हें कसम नहीं देनी चाहिए थी, इसे मेरी गलती। ओए मेरी सोनी है, अगर मैंने कसम नहीं खाई होती तो कहां से देखता है हॉकी वाली हसीना। सच्ची है यार आसमा, जब तुम मेरे लिए उन कुत्तों से लड़ रही थी ना तो मेरी छाती ना ऐसे ऐसे चौड़ी हो गई थी माउंट एवरेस्ट की तरह। टेंशन मत लो, देखना थोड़े टाइम तक ना घोड़े की तरह भागने लगूंगा। रेस तो ट्रैक्टरों की है ना। हाँ तो तुम घोड़ों की तरह क्यों भागोगे? Thank you.
अगर ये रेस अरमान के लिए इतनी ही जरूरी है तो मुझे अरमान की हिम्मत बनना होगा ताकि ये उस रेस में हिस्सा ले सके।